प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इंद्र सिंह कंसाना बोले, बीजेपी के राज में हुआ चहुमुखी विकास, चंबल में खत्म हुए डकैत और हर ओर शांति का माहौल। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी बनाए गए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इंद्र सिंह कंसाना भी कराहल क्षेत्र के दौरे पर है। श्री कंसाना बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए गाँव गाँव पहुँच कर जनसंपर्क कर रहे हैं और बीजेपी में वोट डालने की जनता से अपील कर रहे हैं। आज सोमवार को सैसेपुरा में भाजपा नेता राजकुमार गुर्जर ने कृषि मंत्री का अपने निज निवास पर स्वागत सत्कार कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम अनुसार इंद्र सिंह कंसाना अपने काफिले के साथ पहुंचे, जहां सभी के लिए स्वल्पाहार का प्रबंधन किया गया था। इस दौरान कृषि मंत्री ने मीडिया से चुनावी चर्चा की। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं भाई साहब, आप लगातार सक्रिय हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, किस तरह देख रहे हैं, कैसा मुकाबला होने वाला है? कोई मुकाबला नहीं, चुनाव एक तरफा है। जनता होशियार है, जनता विकास चाहती है क्षेत्र में, इसलिए एक तरफा चुनाव है। भारी मतों से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास जी भारी मतों से चुनाव जीते। विपक्ष ये कह रहा है कि ये हमारी सरकार के सगे नहीं हुए, इनकी सरकार के क्या सगे होंगे, जनता में भी ये रोष है कि हमने 70,000 वोट इन्हें दिए थे, ये पार्टी छोड़कर चले गए। ये मुद्दा किस तरह रहेगा चुनाव में? विपक्ष को ये कहने का अधिकार नहीं है कौन किसका सगा है। ये शब्द कौन कह रहा है कि सगा नहीं हुआ, वो हमसे बात करें उसका उत्तर मैं दूंगा। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहते हैं कि तुम किसी के सगे हुए क्या? आप तो किसी के सगे, अपने खास सगे बेटे के नहीं हुए, भाई के नहीं हुए। माना जा रहा सीएम के दौरे को लेकर कह रहे हैं कि सीएम साहब क्यों आ रहे हैं यहाँ पर बार बार, अगर चुनाव जीत रही है बीजेपी। सीएम प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए आ रहे हैं, उनका अधिकार है आना। उनको देखना है कि यहाँ 30 साल से विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया। सीएम ने आज 4 महीने के अंदर इतना विकास कार्य यहाँ शुरू कराए हैं विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो 30 साल में नहीं हुए वो 3 महीने में उन्होंने कार्य शुरू किए। आदिवासी वोट बैंक को देखा जाए तो ज़्यादा है मंत्री जी विधानसभा में, आदिवासी प्रत्याशी है कांग्रेस से, क्या कैसा रहेगा आदिवासियों का, बीजेपी के लिए कैसा रहेगा? एक जाति से कोई MLA नहीं बनता, यहाँ तमाम जातियाँ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वोट पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सब समाज का वोट मिल रहा है, सब समाज का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से चुनाव जीत के भोपाल जाएंगे। अभी दिग्विजय सिंह कह गया कि निर्वाचन आयोग सोया हुआ है, कहाँ तक उचित मानते हो इस बयान को, क्या प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? अभी से इस प्रकार के आरोप लगाने लगे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनकी आदत में बन गया है। उनको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभी से आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए। ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। निर्वाचन आयोग पर इस प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, और इस प्रकार की बातें मेरे ख्याल से वो तो बड़े बुद्धिजीवी हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको ऐसा निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप विधानसभा प्रभारी हैं, कितने क्या मतों से जीत हो सकती है इस बार? कोई आंकड़ा नहीं कह सकते, लेकिन भारी मतों से जीत होगी, भारी मतों से। अभी तक रामनिवास जी इतने चुनाव वोटों से नहीं जीते होंगे, इतने वोटों से चुनाव जीते।